हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज एक वीडियो बहुत दिन के बाद मैंने छोड़ा हूँ, हालांकि क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कुछ ऑफिस के काम में बिजी था और पर्सनल काम में बिजी था, तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। बट आगे से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को मेरा सब्सक्राइब ज़रूर करना। धूल कितने कितने हैं यार, ये ट्रक वाले चलते हैं ना ओवरटेक करने के चक्कर में, ये मिट्टी वाले रोड पे उतार देते हैं। अब उसमें उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो बाइक में भाई जाता है ना हमारा, जो हेलमेट के बिना जाता है, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। देखो कितने धूल उड़ रहा है, और फोन पे बात कर रहा है भाई अपना येलो टी शर्ट वाला, कितना बढ़िया मस्त वाला, LIC कर रखा होगा पक्का करोड़ों रुपए की, कोई डर ही नहीं है जिंदगी की। इन लोगों को क्या कर सकते हो यार, आज तो गाड़ी पूरा धूल ही धूल हो जाएगी। मैं यही सोचता हूँ कि अगर कोई बाइक वाला यहाँ खड़ा होगा ट्रैफिक में और ये सारे धूल वो इंटेक कर रहा होगा, कितना हार्मफुल है ना। कम से कम हेलमेट पहनेगा या मास्क पहनेगा तो बच जाएगा थोड़ा सा, बट ये देखो भाई गाड़ी ले लिया पूरा महंगी वाली, हेलमेट लेने को भूल गया इसने और धूल उड़ा उड़ा के चल रहा अंकल को बिठा के पीछे। ना इसको परवाह है ना अंकल का परवाह है। आज तो गंदे वाले ट्रैफिक हो रखी है यहाँ पे, सारे कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक इस साइड से जा रहे हैं, पूरा रोड ब्लॉक करते हुए जाएंगे। मुझे लगा था यहाँ से शॉर्टकट ले लूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, बट हाईवे से जाता तो अब तक तो जीरकपुर पहुँच ही जाता। खैर घुस चुके हैं तो अब क्या करें, वापस नहीं जा सकते, उतना टाइम फिर ख़राब होगी, उधर का भरोसा नहीं है। भयानक जाम है भाई, भयानक जाम इसको कहते हैं। आज तो रात हो ही जाएगा वापिस आते हुए। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वो स्कूल है डेरावसी में, ठीक है, तो उनकी किताब जो मिलेगा वो मिलेगा पंचकुला में, है ना। कितना बढ़िया मैनेजमेंट है उनका, शुक्र करो कि पंचकुला में मिल रहा है, ये ना लिख दी कि आप मुंबई से जाके लेके आओ। और फिर क्या हुआ, बुक्स की लिस्ट आई और हम लोग उस दुकान पर गए, कम से कम 500 लोग वहां पे खड़े हो रखे हैं, और वहां जा पता लगता है कि 50% बुक्स है 50% बुक्स नहीं है। और डेरावसी से पंचकुला लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ जाती है। हाईवे सीधा शिमला निकलता है, जो जीरकपुर के हुए कट लेके आप शिमला के लिए निकल सकते हो, तो जस्ट इस हाईवे की उस साइड जो है वो पंचकुला है, तो मैं अभी पंचकुला की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ये जो रोड है ये लेके मुझे निकालेगा हलो माजरा चौक, जहाँ से हम लोग कट लेते हैं हमेशा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए, उसी रोड पे ये कनेक्ट करेगा लेके। बट ये रूट थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ये है कि आपको अगर ट्रैफिक अवॉइड करना है
चंडीगढ़ वाले डायरेक्ट ट्रैफिक अवॉइड करना है तो फिर आपको थोड़ा पीछे से घूम के आ जाओ, फिर ठीक है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कभी भी इस तरह से इस रोड से आओ, क्योंकि एक तो 50% रोड जो है सिंगल रोड है, वहाँ पे स्लो चलती है गाड़ी आपकी, 20-30 से ऊपर नहीं चलती। उससे बढ़िया आप चंडीगढ़ से आओ। बट अभी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, माजरा चौक पे पहुंच चुका हूं। तो यहां से चंडीगढ़ के लिए राइट साइड और डेरावसी जीरकपुर इसके लिए लेफ्ट साइड। पहले ये वाली इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड ना सही नहीं था, अब थोड़ा सा इन लोगों ने ना इस रोड को अच्छा कर दिया है। पहले हमेशा खड्डे खड्डे इस रोड पे मिलते थे, चंडीगढ़ में एक ही रोड है जहाँ पे हमेशा दिक्कत मिलती थी। अब इन लोगों ने रोड को चौड़े भी कर दिए तो अच्छे से इसको मेंटेन भी कर रहे हैं। बट फिर भी एक साइड में ना, राइट साइड में हमेशा वहाँ पे बड़ा सा खड्डा है पिछले 6 महीने से करीब, वो खड्डा अभी भी है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, क्या डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान की रास्ता निकल गया है या चाइना की बॉर्डर आ रहा है, ये सोच रहे हैं चाइना करेगा यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ये देखो ये पुलिस के इंडस्ट्रियल एरिया की एक बोर्ड लगी हुई है ना, इस बोर्ड में देखो बड़ा सा खड्डा है, पता नहीं किसी को नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी सारे स्लो हो जाएगी और ये चालान काटने की इनको आसान हो जाएगी, रोकना मेहनत में नहीं पड़ेगी। बट ये गलत है यार, ये चंडीगढ़ होके ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये रोड भी हमेशा गंदा मिलता है। यहाँ टर्निंग पॉइंट पे हमेशा खड्डा, बड़ा खड्डा रहता है। ये पैच लगाते हैं वो 2 महीने चलता है फिर खराब हो जाती है। राम आप सर्वे कहना हमारे बाबा।
Thank you.